सो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें एक वायर रोप के लिए एक डिजिग्नेशन दिया गया है कि 6x19, और ये जो है स्टैंडर्ड होस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब वायर रोप को रिप्रेजेंट करने के लिए 6x19 ये एक रिप्रेजेंटेशन है और उसका यूज किया जा रहा है। तो इसमें ये जो नंबर्स है 6 और 19, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और ये जो 19 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड्स। और ये दिखता कैसा है, अगर मैं उसको डायग्राम वाइज देखो तो इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें 6 स्ट्रैंड्स होंगे कुछ इस तरह से, और हर एक स्ट्रैंड के अंदर ये जो इंडिविजुअल स्ट्रैंड है, टोटल यहाँ पे 6 स्ट्रैंड है, तो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स के अंदर टोटल 19 वायर्स होंगे जिसके नंबर होंगे 19। तो जस्ट ये एक डिजिग्नेशन है, और अगर वायर रोप है तो उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। सो इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन।